तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम ये सब चीजें डली हुई है और जनवरी से दिसंबर तक का डेटा है। मुझे एक समरी निकालना है यहां पे क्वार्टर वन का। ठीक है, क्वार्टर वन। तो आपको याद होगा अभी मैं समरी छोड़ में। पड़ रहे हैं क्या? जी क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या बोल रहे हैं विपिन जी? कैसे डैशबोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं क्या आप? नहीं, डैशबोर्ड नहीं, हम फॉर्मूला ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं सर। डैशबोर्ड वीवीए प्रोग्रामिंग के बाद स्टार्ट होगा। डैशबोर्ड वीवीए से बनता है। डैशबोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सर डैशबोर्ड स्टार्ट किए हैं क्या? डैशबोर्ड नहीं सर, फॉर्मूला ट्रिक्स। तो अब खोलने का मतलब क्या है कि हमने ओके। आपके साथ हमने डिस्कस किया एक्सेल से भी तो बनता था। है सर, एक्सेल से भी तो बनता है डैशबोर्ड। हाँ बनता है, आप देखिए तो सही, सुनिए तो सही, आप बोलते बहुत है। ओके तो मुझे जनवरी का मतलब क्वार्टर वन का डेटा चाहिए जैन से मार्च तक का। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डेटा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसके लिए सम इफ काउंट इफ इस पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे इसको हम सम करें? समझ गए? मतलब कि मुझे अगर मान लीजिए क्वार्टर वन, सॉरी फिलहाल हम बात करते हैं जनवरी का, यहां पे मुझे जनवरी का डेटा चाहिए जैन टू मार्च का। हेलो, हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। वो क्लास फॉर कितना क्या पढ़ा रहे हो सर आज? फॉर्मूला ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ सर। अच्छा, वो थोड़ा सर लेट हो गया था मुझे ज्वाइन करने में, हाँ, तो ज्यादा इसके टाइम तो लिए नहीं हुआ। नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है चूज का, याद होगा आपको, चूज का फॉर्मूला। इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे देता हूं इसका स्टार्टिंग कि जैन कॉमा अप्रैल, अप्रैल ही होगा, मई होगा ना, अप्रैल, अप्रैल। उसका फीस भी लगता है क्या? कितना? जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर। तो मुझे जैन से इसका ये चाहिए, तो कैसे करें? तो मैंने यहां पे फॉर्मूला मैच का लगाया और जैन से हमने इसको इसको मैच किया इसमें एंड कॉमा जीरो कर, तो इसका कॉलम नंबर 2 आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉलम 2 आया तो कैसे कॉलम 2 का हम कॉलम 2 से लेके 3 4 तीन चीजें का डेटा हमें चाहिए, तो हमें इसका बनाना पड़ेगा एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हमारे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला है। एड्रेस का फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया कि रो नंबर 1 एंड कॉल नंबर ए B1।
ठीक है। और उसके बाद अगेन हम यहां पे लगाते हैं एड्रेस का फॉर्मूला, लाल मिर्च ले लीजिए, लहसुन ले, प्लीज म्यूट कर दीजिए, और इसमें हम प्लस कर देते हैं 2। ये डेटा हमारा सबसे लास्ट में है, एक बार देख लेता हूँ डेटा कहाँ, 10 तक है। तो एड्रेस रो नंबर 10 हो जाएगा और कॉलम नंबर हो जाएगा हमारा 2, प्लस 2 कर दिया। तो D1 से D10, ठीक है। तो यहां पे हम दे सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट सम और इनडायरेक्ट कर देंगे, सॉरी इनडायरेक्ट, सम इनडायरेक्ट, तो इसको सेलेक्ट कर, इसके साथ इसका सीट का नेम भी देना पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन ये इस पुनीत से मैच नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल टोटल दे रहा है क्वार्टर वन का, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुनीत का टोटल, ओनली फॉर पुनीत का टोटल, कुल मैच जी क्या हुआ, मैच से करेंगे फिर इसको। हाँ मैच मतलब कि अब आपको, हमने कॉलम की प्रॉब्लम थी, हमें नहीं पता था कि कौन सा क्वार्टर वन जनवरी फरवरी मार्च है, जिसके लिए हमने क्या किया, चूज का फॉर्मूला लगाया, जिससे मुझे इसका महीना पता चल गया, और इस जनवरी से आपने प्लस किया तो इसका मुझे पता चलेगा कि कौन से कॉलम नंबर में है, और उस कॉलम से हम एड्रेस उसका कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक दिक्कत यहां पे आ गई कि हम पुनीत के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो मैं मैच करूंगा यहां पे, जो हम मैच लगाएंगे कि फॉर्मूला मैच, मैच सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया कॉमा 0, तो इसका रो नंबर आ गया ना, जहां यहां पे जो हमने 1 नंबर रो मैनुअल लिखा है, इसको हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहां जो हमने रो नंबर 10 लिखे, इसके जगह पे भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये B2 से D2 आएगा, तो ये पुलिस से मैच करेगा, मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, जस्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर डुप्लीकेट हुआ तो, या अगर डुप्लीकेट हुआ तो कैसे करेंगे, तो चलिए डुप्लीकेट एक सिंगल एग्जांपल समझ में आ गया आपको, हाँ जी हाँ समझ में आ गया सिंगल। अब इसका डुप्लीकेट एग्जांपल समझते हैं,
तो चलिए उसके लिए अब डुप्लीकेसी वाला करते हैं। अब मुझे इसमें से जैन मैंने यहां लिखा तो मुझे यहां पे जैन का टोटल चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालें? तो सेम मेथड यहां भी मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मैच का, इसको सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं यहां पे एड्रेस बनाऊंगा, इसका रो नंबर मैंने 1 दे दिया एंड कॉल नंबर हमारा 2 आया। ठीक है, इसी में हम कॉमा कर दे, रिलेटिव कर दे, तो ये क्या हो जाएगा कि डॉलर साइन हट जाएगा। एड्रेस में कॉमा फोल्ड करते हो तो डॉलर साइन को स्किप कर देता है। अच्छा ठीक है, अब यहीं पे मैं कर सकता हूं राइट ने लेफ्ट, लेफ्ट इसको सेलेक्ट किया एंड और अगेन एंड हमने इसको सेलेक्ट किया लेफ्ट, इसको सिलेक्ट कर, तो b by b बन गया। अब मैं यहीं पे सम इफ लगा सकता हूं, सम इफ में हमारा जो रेंज होगा वो रेंज हो जाएगा a नेम एंड कॉमा, सम किसको करना है तो सम करना है पुनीत को, और सम रेंज क्या है इसके जगह पे मैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में b by b को सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन यहां पे रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि b by b जो है ये आपका सेम सीट का है, तो इसके साथ हमें इसका सीट नेम कंबाइन करना पड़ेगा, फिर सीट 3 सीट 3 ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, आया सामने?
हेलो विपिन जी, क्या हुआ सर? आपकी हेडफोन सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए। नहीं, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, बाकियों का शो कर रहा है, आपका नहीं शो कर रहा है। देख लीजिए, दोबारा ज्वाइन करके देखिए ना। तो एक कंसेप्ट समझ में आया संदीप जी एंड नीरज जी? देखिए, जी सर। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट ओके okay. समझिए क्या है। मेरे पास एक बैंक नेम है, ठीक और इसके ऊपर हमारे नेम है। ठीक है, मेरे पास इस तरह का एक ट्रैकर आता है, ठीक है, लेकिन मुझे ठीक है जो ओके डेटा चाहिए होता है एनालिसिस करने के लिए, कुछ इस तरह का चाहिए होता है। ठीक है, बट इसको हम कैसे अरेंज करें? दिव्यांग ने पूजा है। यहां पूजा है, यहां पे आवर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें नेम यहां पे मैच फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैच, और क्या कर हम इसको सेलेक्ट करेंगे जी? और इसको सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा जी। तो ये बताएगा कि हम किस रो नंबर में, ठीक है। ठीक है। फिर मैं यहां पे बी फिर ये आपका ई B2 से E2। फिर मैं यहां पे इसको सम के अंदर में इनडायरेक्ट किया तो ए आ गया 5। फिर अगेन मैं मैच किया
फाइव को इनडायरेक्ट इसके अंदर कॉमा जीरो वन आया, देन मैं ऑफसेट लगाऊंगा, ऑफसेट में इसको सेलेक्ट करूंगा कॉमा वन, रो नंबर जीरो होगा, जीरो एंड कॉलम नंबर वन, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां मेरे पास आवर आ गए, यहां मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, आया समझ में? सर ये वैल्यू क्या आपने 5, 20, 20, 30 क्या वैल्यू है? ये आवर्स है, मतलब कि एक बैंक्स है और ये हमारे इंजीनियर्स के नेम है और इन्होंने इतने इतने घंटे काम किया हुआ है इनके अंदर। ओके ओके सर, ये समझ में आ गया आपको सर ना एग्जाम्पल? तो कहने का मतलब है कि हम इसी तरीके से अपने हिसाब से कॉन्कैटेनेट करके ट्रिक्स बना के और अपने हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। ये सर ये जो एड्रेस है इसमें ई के साथ बी 11 क्यों किया गया? का ई, एक मिनट, ये ना ई के साथ बी 11, मतलब बी के साथ बी 11 तो समझ में आ गया, ई के साथ में बी 11 इसलिए जो वन है उसको पोजीशन है, ऐसा कुछ है क्या? टू वन नहीं, टू से टू करना है ना। अच्छा 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 समझ गया, ये बी टू से ए टू का है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। ठीक है, तो ये फाइल में भेजता हूं, आप प्लीज इस पे और काम कीजिए और कुछ तो इसी तरह का ट्रिक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। सर एक चीज और, हेलो बोलिए सर, आप जो वीडियो का जो कल लिंक जो भेजे थे ना वो तो ओपन ही नहीं हो रहा है, आज वाले तो ओपन होकर डाउनलोड हुए हैं लेकिन हमारे क्लास से रिलेटेड जो आपने एरर का भेजा था, एरर फॉर्मूला का, वो तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है वो तो। आपको क्या मिला था? जिस मेल आईडी से आपने है उसी मेल आईडी में क्लिक करके आओ, लॉग इन कीजिए, क्या बोलते हैं ओपन कीजिए। जिस मेल आईडी से मैं लॉग, ये तो हॉटमेल है ना, तो फिर वो तो मेरा जीमेल का है, तो कैसे होगा फिर वो? नहीं नहीं हॉटमेल कहाँ उसको कि वो ईमेल आईडी कहाँ डालूंगा मैं उसमें यूट्यूब में? नहीं 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 ईमेल आईडी पे जो आपने किया ना उसी के उसी पे लिंक पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो एक बार दिखा दो सर, मैंने ट्राई करा हो नहीं रहा, मेरा जो ईमेल आईडी है ना जिसमें आपने सेंड करा वीडियो, ठीक है, उसको मैंने उस पर क्लिक किया तो वो YouTube पे वीडियो ओपन ही नहीं हो रहा है। क्या दिख रहा है, क्या बता रहा है वो? कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ आ रहा है। स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे एक बार, ठीक है? ठीक है सर, मैं उसे एनालाइज करूंगा।